फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो हम बात करेंगे मैक्सिकन लीग के मैच के बारे में, जो गाइस खेला जाएगा यहाँ से एफसी जुआरेज और मोंटेरे के बीच में होने वाले इस मैच के बारे में। तो गाइज, इस वीडियो में इन दोनों टीमों के रीसेंट फॉर्म और इन दोनों टीमों के प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे, कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए। और गाइज, बात करेंगे जब ये दोनों टीमें आपस में खेलती हैं तो क्या रहता है इन दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड। और गाइज, कौन से प्लेयर हैं जो कंसिस्टेंट गोल करते हैं इन दोनों टीमों की तरफ से। और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे जिनका ड्रीम इलेवन पर काफ़ी लो सिलेक्शन रहेगा और उन्हें आप अपनी स्मॉल लीग टीम में कैप्टन प्लस वाइस कैप्टन बना सकते हो वीडियो कंप्लीट देखने के बाद और प्लेयर का कंप्लीट रिकॉर्ड देखने के बाद। तो गाइस, सबसे पहले नजर डालते हैं इन दोनों टीमों की पॉइंट टेबल पर। तो गाइस, फिलहाल हम आ चुके हैं मैक्सिकन लीग की जो पॉइंट टेबल वहां पर। तो सबसे पहले नजर डालते हैं मोंटेरे इस लीग में सेकंड पोजीशन पर, वहीं पर बात करें एफसी जुआरेज इस लीग में 14 पोजीशन पर है। तो गाइज, आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हो कि इन दोनों टीमों की जो पोजीशन है उसमें कितना अंतर देखने को मिलता है। अब गाइज, बात करें मोंटेरे इस लीग में 11 मैच खेल चुके हैं, जिनमें से 5 मैच इस टीम ने विन किए और 5 मैच ड्रॉ भी खेले और सिर्फ एक ही मैच इस टीम ने फिलहाल के टाइम पर लॉस किया। अटैकिंग वाइज 17 गोल किए हैं, लेकिन डिफेंसिव वाइज इस टीम ने 9 ही गोल कंसीड किए हैं। तो गाइज, 11 मैच में 17 गोल स्कोर करना आप मान सकते हो, जो इसका अटैक है प्रत्येक मैच में 1.5 गोल पर मैच स्कोर करने का एवरेज से टीम गोल करती है। वहीं पर बात करें, इसने 11 मैच में 9 गोल डिफेंसिव वाइज कंसीड किए, तो इसका जो डिफेंसिव वाइज परफॉर्मेंस है प्रत्येक मैच में 0.8 गोल पर मैच स्कोर कंसीड करने का एवरेज से टीम गोल कंसीड करती है। तो गाइस, अटैकिंग वाइज ये टीम प्रत्येक मैच में कम से कम 1 गोल पर मैच स्कोर करती है और कभी कभी तो हल्की टीम के सामने 2 गोल पर मैच भी कर देती है, लेकिन डिफेंसिव वाइज ये टीम जल्दी से गोल कंसीड नहीं करती, एक बेहतर से बेहतर टीम के सामने ही पर मैच में एक ही गोल कंसीड करती है और हाई चांस रहते हैं इस टीम का क्लीन चिट रखने का। तो परफॉर्मेंस इस टीम का अटैकिंग वाइज भी और डिफेंसिव वाइज भी काफी अच्छा देखने को मिलता है पॉइंट टेबल के अकॉर्डिंग। अब गाइस, बात करें एफसी जुआरेज इस लीग में 12 मैच खेल चुके, जिनमें से 3 मैच इस टीम ने विन किए और 3 ही मैच इस टीम ने ड्रॉ खेले, बल्कि 6 मैच इस टीम ने फिलहाल के टाइम पर लॉस किए। अटैकिंग वाइज 11 गोल किए, लेकिन डिफेंसिव वाइज इस टीम ने 18 गोल कंसीड किए। तो गाइस, 12 मैच में 11 गोल स्कोर करना आप मान सकते हो, जो इसका अटैक है प्रत्येक मैच में 0.9 गोल पर मैच स्कोर करने का एवरेज से टीम गोल करती है। वहीं पर बात करें, इसने 12 मैच में 18 गोल डिफेंसिव वाइज कंसीड किए, तो इसका जो डिफेंसिव वाइज परफॉर्मेंस है प्रत्येक मैच में 1.5 गोल पर मैच स्कोर कंसीड करने का एवरेज से टीम गोल कंसीड करती है। तो गाइस, अटैकिंग वाइज ये टीम पर मैच में गोल नहीं कर पाती, आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हो टीम का अटैकिंग वाइज परफॉर्मेंस कितना डाउन है। मतलब अपने लेवल की टीम के सामने टीम पर मैच में गोल कर देती है, लेकिन एक बेहतर टीम के सामने टीम गोल नहीं कर पाती, लेकिन डिफेंसिव वाइज ये टीम प्रत्येक मैच में कम से कम 1 और कभी कभी तो एक बेहतर टीम के सामने 2 गोल पर मैच कंसीड कर देती है। तो इस टीम का जो परफॉर्मेंस है अटैकिंग वाइज भी डाउन देखने को मिलता है और डिफेंसिव वाइज भी ये टीम काफ़ी डाउन है, मतलब डिफेंसिव वाइज ये टीम गोल कंसीड कर ही देती है। तो गाइस, इस कंडीशन के अनुसार यहाँ से बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिलती है वो यहाँ से मोंटेरे की देखने को मिलती है और इसी को हम अपनी ड्रीम इलेवन की टीम के लिए एक फेवरेट टीम मान के चलेंगे। क्यों? क्योंकि परफॉर्मेंस यहाँ से मोंटेरे का अटैकिंग वाइज भी और डिफेंसिव वाइज भी काफ़ी बेहतरीन देखने को मिला है। लेकिन गाइज, हम बात करेंगे जब ये दोनों टीमें आपस में हेड टू हेड मैचेस खेलती हैं तो क्या परफॉर्मेंस देखने को मिलता है इन दोनों टीमों की और से, और वहां से भी क्लियर हो जाएगा कि कौन सी टीम इस मैच में क्लियर कट फेवरेट टीम होने वाली है हमारी स्मॉल लीग टीम क्रिएट करने के लिए ड्रीम इलेवन पर। तो नजर डालते हैं इन दोनों टीमों का हेड टू हेड मैचेस पर। तो गाइज, इन दोनों टीमों के बीच में आज तक पिछले 5 हेड टू हेड मैच हुए, मतलब पिछले 5 हेड टू हेड मैच के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिनमें से एफसी जुआरेज सिर्फ एक ही मैच विन किए और एक मैच ड्रॉ खेली, बल्कि 3 मैच इस टीम ने लॉस किए। अटैकिंग वाइज 1 गोल पर मैच स्कोर किया, लेकिन डिफेंसिव वाइज 2.2 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। मतलब एफसी जब मोंटेरे के सामने खेलती है तो अटैकिंग वाइज ये टीम गोल कर देती है एक, लेकिन कभी कभी करती है वो एक गोल भी, लेकिन डिफेंसिव वाइज प्रत्येक मैच में इस टीम के सामने कम से कम 2 गोल पर मैच स्कोर कंसीड करने का एवरेज ये टीम गोल कंसीड करती है। अब गाइस, बात करें जो पिछला मैच इन दोनों टीमों के बीच में हुआ, वो मैच यहां से मोंटेरे 6-1 से विन कर गई। अटैकिंग वाइज मोंटेरे ने इस टीम के सामने 6 गोल किया, लेकिन डिफेंसिव वाइज 1 गोल कंसीड कर दिया और उससे पिछले मुकाबले इन दोनों टीमों के बीच में और हुआ और उस मैच को भी यहां से मोंटेरे यानी रायडो डी मोंटेरे ने उस मैच को 2-1 से विन कर लिया। अटैकिंग वाइज इस टीम के सामने 2 गोल किए, लेकिन डिफेंसिव वाइज 1 गोल कंसीड कर दिया और उससे फिर मुकाबले इन दोनों टीमों के बीच में अगेन मैच हुआ और उस मैच को यहां से फिर से मोंटेरे 2-0 से मैच को विन कर गई। अटैकिंग वाइज मोंटेरे ने इस टीम के सामने 2 गोल किए, लेकिन डिफेंस से गोल कंसीड नहीं किया, लेकिन उससे फिर मुकाबले फिर इन दोनों टीमों के बीच मैच हुआ और उस मैच को यहां से जुआरेज विन कर गई अपने होम ग्राउंड में। और आज भी जुआरेज के ही होम ग्राउंड में ये मैच है, क्या इस तरह का परफॉर्मेंस देखने वाले मिलेगा इस टीम की ओर से, वो देखने वाली बात रहेगी आफ्टर
लाइनअप। तो गाइज अटैकिंग वाइज इस मैच में जुआरेज का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेहतरीन रहा, अटैकिंग वाइज 2 गोल किए लेकिन डिफेंस से गोल कंसीड नहीं किया। और उससे फिर पिछला मुकाबला इन दोनों टीमों बीच में और हुआ और वो 1-1 ड्रॉ गया। मतलब अटैकिंग वाइज दोनों टीमों की तरफ से एक गोल देखने को मिला लेकिन डिफेंस वाइज भी एक गोल कंसीड देखने को मिला। तो गाइज यहाँ से जो परफॉर्मेंस देखने को मिलती है वो भी यहाँ से मोंटेरे की ओर से बेहतर देखने को मिलती है हेड टू हेड में। अटैकिंग वाइज ये टीम इसके सामने गोल करती है लेकिन डिफेंस वाइज भी कहीं ना कहीं पिछले 2 मैच में एक गोल परमेश्वर को कंसीड किया। तो गाइज हेड टू हेड में क्लियर कट फेवरेट टीम यहाँ से मोंटेरा निकल कर आती है। अब गाइज बात करें इन दोनों टीमों जो करंट फॉर्म उसका अकॉर्डिंग जो फिलहाल के टाइम पर जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में, तो नज़र डालते हैं एफसी जुआरेज के करंट फॉर्म पर। तो गाइज एफसी जुआरेज करंटली 6 मैच खेल चुके हैं जिनमें से 3 मैच विन 1 ड्रॉ 2 लॉस। अटैकिंग वाइज 1 गोल परमेश्वर को किया लेकिन डिफेंस वाइज 1.2 गोल परमेश्वर को कंसीड किया। मतलब ये टीम पर मैच में 1 गोल कर देती है और कभी कभी तो एक बेहतर टीम के सामने ये टीम पर मैच में गोल भी नहीं करती लेकिन डिफेंस वाइज प्रत्येक मैच में एक या एक बेहतर टीम के सामने 2 गोल भी पर मैच कंसीड कर देती है। अब गाइस बात करें जो पिछला मैच मजार्टलन एफसी के सामने ये टीम 3-1 से मैच को लॉस करके आ रही है और मजार्टलन एफसी इतनी कोई बेहतरीन टीम नहीं है जितनी बेहतरीन आपको यहाँ से मोंटेरे देखने को मिलती है। जब उस टीम के सामने ये टीम लॉस कर सकती है तो क्या इस टीम के सामने ये टीम विन कर पाएगी वो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन उस मैच में ये टीम लॉस कर गई मतलब रिसेंट का जो हेड टू हेड मैच है। लेकिन उससे फिर मुकाबला कोरेतारो एफसी के सामने ये टीम 1-1 से मैच को ड्रॉ खेली। अटैकिंग वाइज इस टीम ने 1 गोल किया लेकिन डिफेंस से 1 गोल कंसीड किया। परफॉर्मेंस इक्वली रहा दोनों टीमों का लेकिन उससे फिर मुकाबला इन ये टीम एटलेटिको सैन लुइस के सामने 1-0 से विन कर गए। अटैकिंग वाइज 1 गोल किया इस टीम ने अपने होम ग्राउंड में खेली वो मैच लेकिन डिफेंस से गोल कंसीड नहीं किया। लेकिन क्लब लियोन के सामने ये टीम 1-0 से मैच को विन कर गई और क्लब लियोन जो कि काफ़ी बेहतरीन अटैकिंग वाइज प्लस डिफेंस वाइज टीम है मैक्सिकन लीग की और उस मैच में ये टीम विन कर गई। अटैकिंग वाइज 1 गोल किया लेकिन डिफेंस गोल कंसीड नहीं किया। लेकिन उससे फिर मुकाबला कैरूज एजुल के सामने ये टीम 2-1 से विन कर गई और कैरूज एजुल भी एक अच्छी टीम है और उस टीम के सामने भी ये टीम विन कर गई। अगर आज भी मोंटेरे के सामने ये टीम विन कर जाती है तो थोड़ा सा शौक रहेगा क्योंकि बेस्ट टीम के सामने एक लो लेवल की टीम लग रही और उस कंडीशन में विन कर जाए तो ये तो बहुत ही गलत होगा मेरे साथ भी और आप सबके साथ भी, क्योंकि हम यहाँ से फेवर करने वाले हैं मोंटेरे को। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ से जो रिकॉर्ड देखा है बेस्ट के अनुसार मोंटेरे एक बेहतर टीम है एज कम्पेयर टू एफसी जुआरेज, हेड टू हेड का अकॉर्डिंग भी, पॉइंट्स टेबल का अकॉर्डिंग भी और रिसेंट फॉर्म के बारे में हम बात कर ही रहे हैं। और यहाँ से आप देख सकते हो जुआरेज का जो परफॉर्मेंस वो कैसा चल रहा है। लेकिन उससे फिर मुकाबला संतोष लगोना के सामने ये टीम 2-0 से लॉस कर गई। अटैकिंग वाइज इस टीम ने गोल नहीं किया बल्कि डिफेंस से 2 गोल कंसीड कर दिए। तो गाइस इस टीम का जो परफॉर्मेंस है आप मान सकते हो ये टीम प्रत्येक मैच में 1 गोल कर देती है लेकिन डिफेंस वाइज प्रत्येक मैच में कम से कम 1 या 2 गोल पर मैच स्कोर कंसीड कर देती है एक बेहतर टीम के सामने। अब बात करें मोंटेरे यानी राइडोस मोंटेरे जो टीम है उसका जो करंट फॉर्म उसका अकॉर्डिंग जो फिलहाल के टाइम पर जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में। तो गाइस राइडोस डी मोंटेरे रिसेंटली 6 मैच खेल चुके हैं जिनमें से 4 मैच इस टीम ने अभी के टाइम पर विन किए हैं, सिर्फ एक ही मैच ड्रॉ खेला और 1 मैच लॉस किया। अटैकिंग वाइज 2.2 गोल पर मैच स्कोर किया। मतलब इस टीम का जो परफॉर्मेंस है फिलहाल के टाइम पर अटैकिंग वाइज कम से कम ये टीम 2 गोल पर मैच स्कोर करती है और डिफेंस वाइज 1 गोल पर मैच स्कोर कंसीड। मतलब ये टीम एक बेहतर टीम के सामने ही गोल कंसीड करती है वरना हल्की टीम के सामने ये टीम गोल कंसीड नहीं करती और मैच को क्लीन चिट से विन कर जाती है। अब बात करें जो पिछला मैच राइडोस डी मोंटेरे 2-1 से मैच को विन करके आ रही है। अटैकिंग वाइज इस टीम ने 2 गोल किया लेकिन डिफेंस से 1 गोल कंसीड किया और उससे फिर मुकाबले ये टीम टोलुका के सामने खेली और उस मैच को 2-0 से विन कर गई। अटैकिंग वाइज बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा 2 गोल की लेकिन डिफेंस वाइज उससे भी बेहतरीन मतलब गोल कंसीड नहीं किया और उससे पिछला मुकाबले टिग्रेस उनाल के सामने 2-0 से विन कर गई। अटैकिंग वाइज फिर से बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिला इस टीम की ओर से लेकिन उससे भी बेहतरीन डिफेंस वाइज मतलब गोल कंसीड नहीं किया। लेकिन उससे मुकाबले ये टीम क्रूज एजुल के सामने 4-1 से विन कर गई। अटैकिंग वाइज इस टीम ने काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया लेकिन डिफेंस से सिर्फ 1 ही गोल कंसीड किया और उससे पिछले 2 मैच यहां से आप देख सकते हो इस टीम ने 1 मैच किया है विन अल टस्क मतलब एटलस के सामने और जो कि एटलस कोई इतनी बेहतर टीम नहीं है लेकिन उसके सामने ये टीम लॉस कर गई। लेकिन क्लब तिजोना के सामने ये टीम 2-2 से मैच को ड्रॉ खेल गई। तो इस टीम का जो परफॉर्मेंस आप यहीं से देख सकते हो कम से कम ये टीम प्रत्येक मैच में 2 गोल पर मैच स्कोर करती है और डिफेंसिव वाइज तो ये टीम जल्दी से गोल कंसीड नहीं करती, बेहतर टीम के सामने ही पर मैच में 1 ही गोल कंसीड करती है। अब आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हो कि एफसी जुआरेज एक बेहतर टीम है या नहीं उसका मतलब
उसके सामने टीम गोल कंसीड कर पाएगी यार नहीं वो देखने वाली बात रही। लेकिन मेरा जो इस मैच का स्कोर लाइन प्रेडिक्शन है अभी के लिए, तो गाइज हमने सबसे पहले बात करी ही इन दोनों टीमों की पॉइंट टेबल के बारे में, फिर इन दोनों टीमों के हेड टू हेड मैचेस के बारे में बात करी, फिर इन दोनों टीमों के रिसेंट फॉर्म के बारे में बात की। तो गाइज इन तीनों चीज़ों को एक साथ मद्देनजर रखते हुए इस मैच का स्कोर लाइन प्रेडिक्शन क्या होना चाहिए, तो गाइज पॉइंट टेबल के अकॉर्डिंग क्लियर कट यहाँ से मोंटेरे फेवरेट टीम निकल कर आती है। अटैकिंग वाइज गोल करती भी है लेकिन डिफेंस वाइज गोल कंसीड नहीं करती, और एफसी जुआरेज का जो परफॉर्मेंस है अटैकिंग वाइज पर मैच में गोल भी नहीं कर पाती। जो इस टीम का एवरेज है वो गोल करने का नहीं है बल्कि डिफेंस वाइज प्रति एक मैच में गोल कंसीड कर देती है पॉइंट टेबल का अकॉर्डिंग। अब बात करें हेड टू हेड का अकॉर्डिंग, तो गाइस जब भी दोनों टीमें आपस में खेलती हैं तो यहां से मोंटेरे का जो चांस रहता है विन करने का आप मान सकते हो कम से कम 80% विन करने का चांस रहते हैं, और डिफेंस वाइज इस टीम के सामने जल्दी से गोल कंसीड नहीं करती, कभी कभी एक ही गोल कंसीड करती है। लेकिन रिसेंट का अकॉर्डिंग अगर इन दोनों टीमों को एनालाइज किया जाए तो गाइस यहां से मोंटेरा का जो परफॉर्मेंस है अटैकिंग वाइज प्रत्येक मैच में कम से कम 2 गोल स्कोर करती है लेकिन डिफेंस वाइज जल्दी से गोल कंसीड नहीं करती, बेहतर टीम के सामने ही गोल कंसीड करती है। लेकिन एफसी जुआरेज का जो परफॉर्मेंस है रिसेंटली अटैकिंग वाइज गोल करती भी है और डिफेंस वाइज कहीं ना कहीं प्रत्येक मैच में गोल कंसीड भी कर देती है। तो गाइस फाइनली इस मैच का स्कोर लाइन प्रेडिक्शन क्या होना चाहिए हमारी समोली टीम क्रिएट करने के लिए ड्रीम 11 पर, तो गाइस मुझे लगता है कि मैक्सिकन लीग जितने दिन से मैं फॉलो कर रहा हूं ये चीज़ बहुत दिनों से मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ कि मैक्सिकन लीग, जापानीज लीग, कोरियन लीग ये तीन लीग ऐसी हैं जिसमें आपको ना रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड देखने को मिल सकता है, मतलब हल्की टीम भी विन कर सकती है इस मैच में, मतलब जब भी इन लीग का मैच होता है। तो गाइज मुझे लगता है अभी के लिए कि एफसी जोरेज इस मैच में गोल नहीं कर पाएगी क्योंकि बेहतर टीम के सामने ये टीम जल्दी से गोल करती भी नहीं है लेकिन डिफेंस वाइज कम से कम 2 गोल इस टीम के सामने गोल कंसीड कर देगी। तो इसलिए अपना इस मैच का स्कोर लाइन प्रेडिक्शन रखा है 0-2, और 0-2 का प्रेडिक्शन के अनुसार हम अपनी ड्रीम 11 टीम क्रिएट करने वाले हैं ड्रीम 11 पर। उससे पहले बात करेंगे इन दोनों टीमों के प्लेयर्स के बारे में, कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए, तो नजर डालते हैं एफसी जोरेज के प्लेयर्स के बारे में, फिर नजर डालेंगे राइडोस डिस मोंटेरे के प्लेयर्स के बारे में, कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए, नजर डालते हैं जुआरेज के प्लेयर्स के बारे में। और एक बात क्लियर बताना, कब बताना पूछ रहा हूँ, अगर आपको सच में वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को अभी लाइक करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्यों, क्योंकि जो नेक्स्ट मैच की वीडियो रहेगी ना अगर आपको ये एनालाइज पसंद आई तो आपको नेक्स्ट मैच की वीडियो भी इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगी, तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। और इंपॉर्टेंट बात यह है इस मैच जो मेरी फाइनल टीम रहेगी ना वो मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने टॉप का कॉमेंट और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। अब बात करते हैं सीधे मुद्दे की प्लेयर वाइज की, कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए, तो नजर डालते हैं एफसी जुआरेज के प्लेयर्स के बारे में। तो गाइस जुआरेज की टीम तरफ फिलहाल के टाइम पे जो हाईएस्ट गोल टेकर गैब्रियल फर्नांडीज, जिसने इस टीम की तरफ से 3 गोल किए हैं लेकिन 2 गोल पेनल्टी में किए हैं, तो यहाँ से ये इसलिए इंपॉर्टेंट प्लेयर है क्योंकि ये टीम अगर पेनल्टी अर्न करेगी तो उस कंडीशन में गैब्रियल फर्नांडीज इस टीम की तरफ से गोल करता नजर आएगा, तो इसलिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। मार्टिन गालवेन जो कि आप देख सकते हो 11 मैच में सिर्फ इसने 2 ही गोल किए हैं, और रोल पेड्रो जो कि 1 गोल कर चुका, और डियागो रोलान जो कि 1 गोल किया लेकिन इसने भी पेनल्टी में किया, लेकिन फर्स्ट चॉइस जो पेनल्टी टेकर यहाँ से गैब्रियल फर्नांडीज ही देखने को मिलेगा, सेकंड पेन मतलब सेकंड में बैकअप में यहां से रोलान देखने को मिलेगा, जेफरसन इंट्रियागो जो कि 1 गोल कर चुका, पोल गार्सिया जो कि 1 गोल कर चुका, विक्टर वलाक्यूज जो कि 1 गोल कर चुका। अब यहां से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है मैं एक बार टिक कर देता हूं आपके लिए, तो यहां से इंपॉर्टेंट प्लेयर वो हैं जिनको मैंने अभी के लिए टिक किया हुआ और उन्हें आप अपनी टीम में ट्राई करके चल सकते हो। अब बात करते हैं असिस्ट के मामले में इस टीम तरफ से कौन से प्लेयर निकल कर आए, तो एक बार नजर डाल, तो गाइज असिस्ट के मामले में यहाँ से जेफरसन जो कि गोल प्लस असिस्ट दोनों में कंट्रीब्यूट है तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है और इन्हें हम टीम में ट्राई करके चलेंगे। मैक्सिमिलानो ओलिवेरा जो कि इस टीम की तरफ से 1 गोल कर चुका, फेबियन कास्टिलो जो कि एक असिस्ट मतलब असिस्ट नहीं है ये 1 असिस्ट कर चुका, और मैथिस गार्सिया जो कि 1 असिस्ट कर चुका, और यहाँ से फर्नांडिन्हो जो कि 1 असिस्ट कर चुका। अब यहाँ से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर ना सिर्फ आपको एक ही देखने को मिलेगा और इन्हें ही ट्राई करके चलना, बाकी का आप इनके प्लेयर की पोजिशन वाइज पिक कर सकते हो कि लाइनअप आने के बाद प्लेयर की पोजिशन वाइज अटैक है या डिफेंसिव है उसके अनुसार। तो गाइस फिलहाल के लिए मैं यहां से जेफरसन को ही पिक करके चला हूं। अब बात करते हैं सेकंड टीम के जो प्लेयर्स हैं उनके बारे में कि कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए, तो नजर डालते हैं मोंटेरे के प्लेयर्स के बारे में। तो गाइस मोंटेरे की टीम तरफ फिलहाल के टाइम पर जो हाईएस्ट गोल टेकर है डुवान वर्गारा जो कि इस टीम की तरफ से 4 गोल कर चुका, तो इसलिए एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिलहाल टाइम पर इसका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेहतरीन है। और यहाँ से फुनेस मोरी ये इस टीम की तरफ से वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है और इसको हम अपनी टीम का कैप्टन बनाएंगे सीधा बिना सोचे समझे। इसकी जो पोजीशन रहती है वो हमेशा अटैकिंग वाइज रहती है और इसका जो परफॉर्मेंस रहता है अटैकिंग वाइज ये प्रत्येक मैच में तो नहीं कम से कम हर 2 मैच में गोल कर देता है जितना मैंने इसको
देखा है, और डिफेंस वाइज ये टीम को पॉइंट भी देता है, प्लस आपके लिए ना असिस्ट पोटेंशियल भी हाई है, क्योंकि प्रीवियस सीजन इस टीम तरफ से हाईएस्ट गोल टेकर भी था और फर्स्ट हाईएस्ट असिस्ट टेकर भी था, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट प्लेयर है। और यहाँ से एतुरो गोंजालेस जो कि तीन गोल कर चुका, मैक्सिमिलानो मेजा जो कि ये गोल पोटेंशियल हल्का रहता है लेकिन डिफेंसिव पोजीशन काफ़ी हाई है इसकी, और डिफेंसिव जो पॉइंट देते हैं वो काफ़ी अच्छा देगा। बाकी के जो भी प्लेयर्स हैं सभी का आप सामने रिकॉर्ड है, स्क्रीनशॉट ले लेना, जो यहाँ से इंपॉर्टेंट प्लेयर रहते हैं टॉप फोर को आप अपनी टीम में ट्राई करके चल सकते हो। अब बात करते हैं असिस्ट के मामले में इस टीम तरफ कौन से प्लेयर निकल कर आते हैं, तो एक बार नजर डाल। तो गाइज आर्थर गोंजालेस जो इस टीम की तरफ से चार असिस्ट कर चुका, गोल पोटेंशियल है तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर, असिस्ट पोटेंशियल भी है। मैक्सिमिलानो मेजा जो कि तीन गोल तीन असिस्ट तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, और यहाँ से मेदिना जो कि इस टीम की तरफ से दो असिस्ट कर चुका, ये आपको डिफेंडर में देखने को मिलेगा, और डिफेंडर में इन्हें आप कैप्टन वाइस कैप्टन तब बना सकते हो जब आपको लगे ये मैच लो स्कोरिंग जाएगा, तो उस कंडीशन में आप लिए डिफेंसिव पॉइंट भी देगा प्लस अटैकिंग वाइज शायद गोल कर भी दे। वहीं पर बात करें कैंपबेल जो कि दो असिस्ट कर चुका, और यहां से अनराडा जो कि एक असिस्ट कर चुका है, तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर रहते हैं जिन्हें हमें टीम में पिक करना चाहिए तो आपके लिए टॉप फोर मतलब टॉप थ्री हैं और उन्हें पिक करना चाहिए। तो गाइज अब बात आती है इस मैच के स्कोर लाइन के प्रेडिक्शन अनुसार क्या रहेगी हमारी इस मैच की जो समोर लीग टीम है ड्रीम इलेवन पर, तो नजर डालते हैं 0-2 का प्रेडिक्शन के अनुसार इस मैच में हमारी प्रेडिक्शन है, और 0-2 का प्रेडिक्शन के अनुसार ही क्या रहती है इस मैच की ड्रीम इलेवन की टीम, देखते हैं ड्रीम इलेवन की टीम को। उससे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो गाइज फिलहाल के लिए ये टीम है जिसमें कैप्टन फुनेस मोरी को रख कर चले, और यहाँ से डुआन वेरगारा को टीम का वाइस कैप्टन देख चले। अब क्यों कैप्टन वाइस कैप्टन इन दो प्लेयर्स को दिया है, मतलब इसी टीम के प्लेयर्स को दिया है, क्योंकि हमने रिकॉर्ड देखा है कि जो मोंटेरे जो टीम है वो काफ़ी बेहतरीन है अटैकिंग वाइज भी और डिफेंसिव वाइज भी, तो इसीलिए मैं यहाँ से इन दो को पिक करके चलाऊँ, और गैब्रियल फर्नांडीज को इसलिए पिक कर चलाऊँ क्योंकि ये इस टीम की तरफ से फर्स्ट चॉइस पेनल्टी टेकर है, तो उस कंडीशन में अगर पेनल्टी मिलेगी तो उस कंडीशन में ये इस टीम की तरफ से पेनल्टी लेगा। और यहाँ से मैक्सिमिलानो मेजा जो कि अच्छा चॉइस है, आप चाहे तो वाइस कैप्टन दे सकते हो, तो अगर असिस्ट या गोल कर दिया तो पॉइंट कम से कम इसके जाएंगे, अगर गोल कर दिया तो 90 प्लस पॉइंट हो जाएंगे, अगर असिस्ट किया तो इसका पॉइंट हो जाएंगे कम से कम 50 प्लस, तो उस कंडीशन में क्योंकि डिफेंसिव पॉइंट भी देता है। और यहाँ से गोंजालेज को पिक कर चलें क्योंकि गोल प्लस असिस्ट इसका भी कंट्रीब्यूट रहा, तो इसीलिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। मदीना और यहाँ से गलार्डो और यहाँ से मोरिनो, इन तीन में से आप किसी को कैप्टन बना सकते हो, क्योंकि जो प्लेयर्स हैं ना वो काफ़ी क्वालिटी के हैं, और चाहे तो लो स्कोरिंग मैच में कैप्टन वाइस कैप्टन दे सकते हो डिफेंडर में से। तो फिलहाल के लिए ये टीम है, आफ्टर लाइनअप जो टीम में चेंजिंग होगी वो मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने टॉप के कमेंट और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन, मतलब आप जब डिस्क्रिप्शन खोलोगे तो हमारा जो फर्स्ट लिंक रहेगा जो टेलीग्राम का वो आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल को उसके जरिए भी आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट है कि आप कमेंट जो फर्स्ट कमेंट है उसका जो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया वो आप ज्वाइन कर लें। और एक बात तो ये है यार, अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, देखो काफ़ी मेहनत की है इस वीडियो में, सच में बोल रहा हूँ, आपको लग भी रहा होगा क्योंकि एक एक बात मैंने आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से आराम से बताई है। और गाइज मुझे उम्मीद है कि इस मैच में अगर एक्सपेक्टेड मैच जाएगा तो कम से कम इस मैच में हम मेगा स्वीप मारेंगे, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें मोटिवेट करने के लिए आप हमारे से कमेंट भी कर सकते हो कि आपको इस वीडियो के जरिए क्या सीखने को मिला। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुद का ख्याल जरूर रखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, इतने के लिए मुझे दे इजाज़त टीम बनाने की।